कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूँ जी, मुरझा गया हूँ पर फूल खुशबू के लाया हूँ, और आप लोगों को तालियां बजानी ही होगी, मैं घर से पत्नी के पांव छू के आया हूँ। क्या बजे, क्या बजे, और ये उन्हीं लोगों ने ताली बजाई है जो मेरी तरह, और मुझे खुशी इस बात की है कि आपके द्वारा चुना गया प्रतिनिधि भी ताली बजा रहा था भाई साहब। हालांकि पप्पू जी भी बैठे, पप्पू जी नमन कहाँ बैठे हुए भाई साहब, कहाँ हैं? अरे कौन से वाले पप्पू की बात कर रहे हो तुम? नहीं 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 बेटे, तू तो उसके जैसा भी नहीं लगता। तू समझा ही नहीं मैं कौन से पप्पू के बारे में बात कर रहा हूँ, फिर जिससे उसकी माँ और पार्टी दोनों परेशान हो चुके हैं। और वो इतना सीधा है सुभाष जी, वो इतना लड़का सीधा है, पिछले दिनों आंध्र प्रदेश चला गया वो भारत जोड़ने के, देखो भारत जोड़ना तो एक बहाना है, दरअसल वो देखना चाह रहा था कि लड़की कहीं की अच्छी सी मिल जाए तो भारत जोड़ो बाद में, वो पहले इसका घर जोड़ दे। वो पिछले दिनों आंध्र प्रदेश में चला गया, वहां की भाषा किसी को समझ में नहीं आती, तो ऐसे ही स्टेज लगा हुआ था, स्टेज के बीच में से राहुल गांधी जी चलते हुए आ रहे स्टेज की तरफ, इतने में से भीड़ में से एक बूढ़ी अम्मा निकली और उसके सर पे हाथ रख के बोली, येंडू वरा किन्ने तुम्बा। अगला उत्साहित तो रहता ही है, अगला स्टेज पे आके बोला, बस 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 बस, अब की बार कांग्रेस को आने से कोई नहीं रोक सकता। एक बूढ़िया मैंने मेरे सर पे हाथ रख के बोला है, येंडू वरा किन्ने तुम्बा, तो नीचे से एक आदमी बोल, भैया ये तेरे से कह रही है, बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं, हालात यहीं पे ही अटके पड़े हैं। हालांकि देखो शंभू भाई हमेशा मेरे से कहते हैं, विनोद भाई मंच पे कुछ ऐसा पढ़ो कि एक जगह पे आप रुक भी जाओ तो आगे की पंक्तियां सामने वाले बैठे हुए आदमी पूरी कर दे, तो वो आपकी कविता की ताकत है, क्या आप एक जगह पर रुक जाओ तो बाकी की पंक्तियां सामने बैठो। सुभाष जी मैं सच में आप सबके बीच में, ये बच्चे जो बैठे हुए हैं, ये वाले बच्चे, ये भी पूरी कर देंगे, मैं एक ऐसा कवि, आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं, मफतलाल जी ने मुझे बुलाया। हालांकि सुभाष जी का जब मेरे पास फोन आया, सुभाष जी ने मेरे को फोन पे बोला, हेलो विनोद, मैंने बोला हाँ, मुफत का प्रोग्राम करेगा? ये मेरा कलेजा है भाई साहब, मैं आया, लेकिन जब मैंने देखा कि यहाँ पे शंभू भैया भी आए हुए हैं तो मुझे लगा चलो भाई मैं अकेला मुफ्त में नहीं आया। ये हालात है। हालांकि शंभू भाई कहते हैं, विनोद भाई मंच पे कुछ ऐसा पढ़ो कि अगर तुम एक जगह पे रुक भी जाओ तो आगे की पंक्तियां सामने वाले लोगों के मुंह से निकले। मैं दावा करता हूं मैं आपको ऐसी पंक्तियां सुना रहा हूं, मैं एक जगह पर रुकूं आगे की पंक्तियां आप सबके मुंह से निकलेगी, तो सुनिएगा। कि गर्म हवा सर्द हवा ने मुंह है मोड़ा, बदला सा है मौसम थोड़ा, गर्म हवा का पहला झोंका बदल रहा है हर नजारा, चुभती जलती गर्मी का मौसम आया, चुभती जलती घमोरियां लाया, आया मौसम ठंडे ठंडे। कविता में ताकत है पर आपकी तालियों में ताकत नहीं है भाई साहब। लेकिन ऐसी बात ही नहीं, मैं सच में ऐसी चार पंक्तियां सुना सकता हूं कि भाई साहब मैं आपको तीन पंक्तियों पर रख दूंगा, चौथी पंक्ति आप सबके मुंह से निकले, और अगर बात आप तक पहुंच जाए तो आपकी तालियां मिले। हालांकि अभी तक पीछे जो लोग बैठे हुए हैं वो बिल्कुल अभी इस मानसिकता में नहीं बैठे, वो एक कवि सम्मेलन में है। मैं आपको एक बात बता दूं भाई साहब, कि सावन में जिस पेड़ पे घोंसला हो जाता है, पतझड़ में वही पेड़ खोखला हो जाता है, और हाथ पे हाथ रख के बैठने वालों आपकी तालियों से किसी का हौसला हो जाता है। वाह 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 वाह, क्या बात है। और मैं यहीं से भाई साहब, मैं सच में ऐसी चार पंक्तियां सुना रहा हूं। हालांकि मैं तो दिल्ली से आया हूं भाई साहब, मैं तो ट्रेन में से आ रहा था, ट्रेन में आ रहे हैं भाई साहब हम सुभाष जी, तो ट्रेन में एक बंदा मेरे सामने बैठा था, मैंने उससे पूछा भैया आप कहाँ जा रहे हो, कह रहे भैया मैं तो मथुरा जा रहा हूँ, मैं कहा मथुरा में रहते हो, कह रहे हाँ, फिर उसने पूछा आप कहाँ से आ रहे हो, मैंने बोला जी मैं दिल्ली से हूँ। भाई साहब ये कहते ही मुझे एक टक घूरने लग गया, फिर मैंने बोला देख भाई मैंने अकेले ने वोट नहीं दी थी उसको, बहुमत मिला है तो सीएम बना है वो। अब दिल्ली की राजनीति को दिमाग में रखना, मैं आपको चार पंक्तियां दे रहा हूँ भाई साहब, चौथी पंक्ति आप सबके मुंह से निकलेगी, और अगर चौथी पंक्ति समझ जाओ तो तालियों से अभी अभिवादन कर दीजिएगा भाई साहब, गरीब बच्चा मैं तो दिल्ली का आया हुआ। हाँ, मफतलाल जी पैसों की बात कर रहे हैं, मैं चार पंक्तियां कर लेता। दिल्ली के सारे गरीब हैं, उन्हें बिजली फ्री देनी पड़ती है जी, पानी फ्री देना पड़ता है, बसों में यात्रा फ्री है। मैं भाई साहब देखो मैं एक छोटी सी बात बता दूं, दिल्ली के सारे ही गरीब हैं,
मैं बतला दूं कि हमारे संग दिक्कत क्या है। मैं चार पंक्तियों में आपको बतला रहा हूं, चौथी पंक्ति आप सबके मुंह से। बस दिल्ली की राजनीति को दिमाग में रखना कि दिल्ली में एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा कि तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया। देखो प्यार के नाम पे जो लड़के की स्माइल निकली है हरे टी शर्ट वाले की, और ये वो चेहरा है जिसे कम से कम 9 लड़कियों ने रिजेक्ट कर दिया होगा। ये वो चेहरा है जिसको जिसको जिसके घर वाले कह रहे हैं भाई आप बेटी दो कार तो हम आपको दे देंगे। तो दिल्ली की एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा भाई तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया। तो लड़की ने जो कारण बताया वो चार पंक्तियों में सुनना साहब। लड़की ने बोला कि कर्जे में उसका एक एक बाल निकला, कर्जे में उसका एक एक बाल निकला, कहाँ का धनी था वो तो कंगाल निकला, और मैं ही थी जो मोदी की तरह गरजती रही वो तो खांसने वाला केजरीवाल निकला। तालियां अभी भी नहीं है भाई साहब आपकी, तालियां अभी भी नहीं आ रही। देखिए मैं बतला दूं ये वाइट बेटा एक बार खड़े हो जाओ आप। सुभाष जी ये आपके घर के ही हैं बच्चे, ये बच्चा अभी पानी की बोतलें बांट रहा था आपने देखा भाई साहब। बेटा वैसे एक छोटी सी बात बतला दूं, हमारी दिल्ली में एक बंदे ने एक बोतल पे एक बोतल फ्री बांटी थी वो इस वक्त जेल में है बेटा, तिहाड़ में, तिहाड़ जेल। तू थोड़ा देख के बोतलें बोतलें बांटा कर क्योंकि ईडी का भरोसा नहीं है, उनको सिर्फ बोतल सुनाई देगा। तू पानी बांट रहा क्या बांट रहा ये नहीं, इस बात से कोई मतलब नहीं। और नई नई प्रधानी में आया दिक्कत में आ जाएगी भाई साहब बात समझ। बहुत अच्छी बैठ जा बेटा, बस इतना आज्ञाकारी बच्चा है, मुझे इस बात की खुशी ज्यादा है भाई साहब। हाँ सुनिएगा, हाँ हाँ मैं अच्छा तुझे तो मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। पद्मिनी के टाइम पे तूने आँख भी नहीं झपकाई एक बार भी। मैं बता दूँ भाऊ जी, मैं फेसबुक पे एक लड़का मुझे रोज भाई साहब लिखता, पाकिस्तान का एक लड़का मुझे फेसबुक पर, अबे शर्म करो सानिया मिर्जा ने पाकिस्तान में शादी कर ली, अबे शर्म करो सानिया मिर्जा ने। मैंने कहा बेटे बात सुन, अगर एक बेटी दी है तो एक बेटी ली भी तो है। कर हमने कौन सी बेटी दे दी। मैं कहा क्यों, गदर फिल्म में सनी देओल नहीं लेके आया था अमीषा पटेल को। और बेटे हम दहेज के कितने भूखे, ये इस बात से साबित होता है जब अमरीश पुरी ने कुछ नहीं दिया तो अगला तुम्हारा हैडपंप उखाड़ के लिया है। और अब थोड़े से बच के रहना क्योंकि अगस्त में गदर 2 भी आ रही है। हालात की बात है मैं बतलाऊं भाई साहब, देखो क्या होता है जी? मैं आपको बतलाता हूं, तुम जो मेरे अंदर काफी देर से पद्मिनी को देख रहे हो ना, मैं तुम्हें ही चार पंक्तियां देता हूं। देखो क्या है, लड़के ऐसे ही होते हैं भाई साहब, लड़के ऐसे तो पूरे दिन चिल्ला चिल्ला के बात करेंगे। सुभाष जी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आते हैं लड़के और इन्हीं के बारे में बात बतला रहा हूं, पूरे दिन चिल्ला चिल्ला के हेलो मुफतलाल इधर आ, लक्ष्य इधर आ, रवि इधर आ, और रात के 10 बजे पता है इन लड़कों की मोबाइल पे आवाज कैसी हो जाती है, हेलो। नहीं भाई सुभाष जी आप क्यों हंस गए इस बात पे। रात के 10 बजे लड़कों की आवाज होती थी, हेलो। अच्छा लड़की को तो नहीं पता ना कि लड़का किस टेम्परेचर मोड पर बैठा है, लड़की बोलती है हाँ हेलो बोल, लड़का फिर क्या कर रही है, लड़की बोलती है खाना खा रही हूं, अब ये पता चल गया खाना खा रही हूं फिर भी खाने में क्या खा रही है, लड़की कह रही तू ऐसे ही बदतमीज रहेगा क्या जिंदगी भर, कोई जनरल नॉलेज की बात कर ले। लड़का बोला अच्छा जनरल नॉलेज की बात, सो व्हेन यू इंश्योर्ड योर व्हीकल फ्रॉम द कंपनी एंड यू डोंट क्लेम द होल ईयर, सो कंपनी प्रोवाइड 20% नो क्लेम बोनस, इट इज दिस आफ्टर एवरी ईयर, आफ्टर वन ईयर 20%, आफ्टर ईयर 25% एंड द लास्ट विल बी 50%, इट विल बी रिमेन 50% टिल देन यू डोंट क्लेम, यू कैन ट्रांसफर योर एनसीवी ऑल व्हीकल टू न्यूकल बट बिफोर इट यू हैव टू सेल व्हीकल मेक इट अ लायबिलिटी। लड़की बोली खिचड़ी खा रही हूं आम के अचार के साथ। हालात यहीं पे बिगड़े पड़े हैं भाई साहब और कहीं पर नहीं बिगड़े। मैं बतला दूं पिछले दिनों मैं बतलाता हूं, देखो महिलाओं के संग दिक्कत क्या है भाई साहब, जब ये सास बनती है ना बहू अच्छी नहीं मिलती, जब बहू बनती है तो सास अच्छी नहीं मिलती, जब देवरानी मिलती है तो जेठानी अच्छी नहीं मिलती, जब जेठानी मिलती है तो देवरानी अच्छी नहीं मिलती, जब भाभी मिलती है तो नंद अच्छी नहीं मिलती, जब नंद मिलती है तो भाभी अच्छी नहीं मिलती, और बात रही पति की वो तो आज तक किसी औरत को ढंग का मिला ही नहीं। देखो इस बात पर भी ताली बजा दी भाई साहब आप, इससे पता चलता है कि घर में बहुत गुलामी की जिंदगी जी रहे हो आप। बस मैं इसमें एक बात और बतला दूं भाई साहब, देखो इसमें कोई दोष वाली बात नहीं है। हरिद्वार की तरफ 2 बसें जा रही थी, आगे वाली बस में सास, पीछे वाली बस में सारी बहुएं, तो सास वाली बस खाई में गिर गई,
भाई बहुत परेशान हूँ आप तो सास से, बिल्कुल किलकारी सी मारी है इस बात पे बताओ। तो सास वाली बस खाई में गिर गई, ये देख के बहू वाली बस में एक बहू ने रो रो के, हो मेरी सास, हो मेरी सास। सब ने बोला ओह तू तो बहुत प्यार करती थी। कह रही ना मेरी वाली तो आई ना। तो हम आज ऐसी जगह पे फंसे पड़े हैं भाई साहब। हालांकि मुझे पता है ये यात्रा हमारे को आदरणीय मंजीत जी तक करनी है, और ये बस मेरी एक छोटी सी बात मान लेना। हालांकि चाय वाले आ गए हैं मंच पर। अच्छा चाय वालों को कुछ कह भी नहीं सकते, पता नहीं कल कौन सा प्रधानमंत्री। हाँ मैं भाई साहब पीछे से आदेश हो रहा है, बहुत कम समय में ये पूरी करनी है, मैं जुड़ना चाहता हूँ आप सब से। अच्छा बस एक बार हाथ उठा के भाई साहब आप जो बैठे हुए हो ना, एक बार इस कुर्सी पे आ जाओ आप। हाँ आपसे कह रहा हूँ। नहीं वो क्या है, वो लाइट आपके सर पे पड़ रही है और सीधा चौंधा मेरी आंखों पे आ रहा है। तो मैं यूं यूं करके तो कविता पाठ कर नहीं सकता भाई साहब, और इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। किसी भी विनोद जी एक बात बताऊं, देखो आप चोटी के कवि हो, ये चोटी के श्रोता है, वो अलग बात है। चोटी वाली जगह साफ हो गई, और सबसे लोग पूछते तुम्हारे बाल बच्चे कितने हैं, इनसे पूछते तुम्हारे बाल बच्चे ही कितने हैं। अच्छा इस चांद की वजह से ने करवा चौथ को सारा दिन टोपी पहननी पड़ती है, कभी घरवाली इस चांद को देख के व्रत ना तोड़ दे। वाह जोरदार तालियां बजा दो भाई एक बार भाई साहब के लिए, इनकी चांद के लिए। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। हाँ। किसी भी पुरुष के सर पर दो ही स्त्रियां हाथ फेरती हैं, एक माँ और एक पत्नी। जब माँ हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं, और ऐसा लग रहा है आपको इन... देख के लग रहा है जैसे पूरे बाजना ने हाथ फेर रखा। हालांकि मुझे मैं आप सबके बीच में कुछ पढ़ना चाहता हूँ। देखिए एक बस मुझे हाथ उठा के बताइएगा, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। हमारे दिल्ली और हरियाणा में सुभाष जी आज भी ऐसा होता है कि जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की का मामा लड़की को कंधे पे उठा के डोली वाली कार तक छोड़ के आता है, कोई प्रथा जानता है ये वाली? हाथ उठा के बताइएगा। अच्छा बाजना में भी है, बस अब आप समझोगे भाई साहब, और जिसने नहीं समझा मैं बतला दूं, ये प्रथा दिल्ली में हो रही थी, दिल्ली में नहीं बाजना में ही हो रही थी, और लड़की का वजन भाई साहब 150 किलो। जिसने नहीं सुना दोबारा से सुनो, 150 किलो। बेटे जो चीज तू पह के, जो चीज तू पी के गंदे गंदे इशारे कर रहा है ना मुझे, ये हमारे चीफ मिनिस्टर ने गली गली में खुलवा रखे। हाँ पर कोई बात नहीं, सुनना, लड़की का वजन भाई साहब 150 किलो, पर सबसे बड़ी बात ये कि लड़की का कोई सगा मामा ही नहीं था वहां पर। अब जब सगा मामा नहीं था तो लड़की के बाप ने गांव के लड़कों से ही बोलना स्टार्ट किया, अरे बेटे सुनियो, बेटे सुभाष, बेटा उठा दियो। तो सुभाष तो बचपन से इष्टापुर खेलता आ रहा उनके संग, सुभाष को तो पता है वो जैसे इष्टापुर पे कूदती थी, माँ कसम तू इस नोटों की पूरी माला बना के लाएगा ना, गले में उठा के तुझे चुम्मा करूंगा मैं। मैं चाहता हूँ आज इस मंच पर, एक गुड़िया मंच पे पड़ रही है, मैं चाहता हूँ ये 100 रुपये मैं उस कन्या को दूँ, क्योंकि उस मंच पे बहुत बड़ा पदार्पण है। नहीं अगर अब अगर 500 का देना चाहते हो तो बतला दूँ। हाँ वो तो ये खुद ही रखेगा। हाँ 2000 का तो इसे बंद हो गया। अब 2000 वाले भी दे सकते हो, बंद हो गया, मुझे बंद करवा दो। हाँ सुनिएगा भाई साहब, तो यहाँ तो सुभाष जी को पता था कि भाई लड़की का वजन 150 किलो, बचपन में इष्टापुर पे कूदती थी, इष्टापुर चकनाचूर करके रख देती थी। तो जैसे बोला बेटे सुभाष उठाइए, तो सुभाष एकदम, मेरा तो पथरी का ऑपरेशन, डॉक्टर बोल रहे थे जरा सा झुकेगा तो पथरी फट के। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, बेटे मुफतलाल, बेटे उठाइयो। तो मुफतलाल बेचारा 150 किलो के चक्कर में ये भूल गया मैं आदमी हूं या औरत हूं। तो जैसे बोला बेटे मुफतलाल उठाइए, तो मुफतलाल मेरा तो 7वां महीना चल रहा है। हाँ इनका तो चल भी रहा है भाई साहब देख लो, कति ना 8वां लग रहा मुझे तो। हाँ 7, तो जैसे उसको बोला ऐसे में भाई साहब आपने देखा होगा गांव खेड़ के मोहल्ले में कोई भी मदद के लिए आ जाता है, तो पीछे 42 किलो का एक व्यक्ति
सबसे कह रहा भाऊजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना, मेरे लायक कोई काम हो तो। बेटा बैठ जा तू, बेटा तेरी चॉकलेट के चक्कर में तेरे अंकल जी देख बेटा मंच पर हूट हो जाएंगे बेटा। हाँ बस तू थोड़ी देर बैठ जा, बहुत अच्छी बच्ची है। तो पीछे एक 42 किलो का व्यक्ति खड़ा हुआ बोला, कर भाऊ जी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। तो किसी ने मजाक मजाक में कह दिया, भाई पीछे तो काम नहीं है, आगे होगा, जा आगे चला जा। अब आगे तो लड़की का बाप था, वो पूछते पूछते भाऊ जी मेरे लायक कोई काम हो, लड़की के बाप तक आ गया। कर भाऊ जी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। अब काम तो उसका अंदर इंतजार कर रहा था, बोला जा छुटकी को लेके जा। अब उसने छुटकी देखी, कह रहा कहां अंकल जी यहां। क्या करना है अंकल जी, उठाना है। अंकल जी इसको उठाने में तो, और छुटकी ना आई हो यह तो मुटकी है। पर सबने बोला बेटे देख, बाजना वालों ने समझाया, बेटा देख तूने बोल दिया तुझे उठानी पड़ेगी। तो भाऊजी उसने उठाने की छोटी सी कोशिश की तो रीढ़ की हड्डी में से चटक की आवाज आ गई। अब उससे उठा नहीं, इतने में यह बच्ची आई। भाई साहब इस बच्ची ने सुल्तान फिल्म का गाना गाया उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून। भाई साहब उसने लड़की उठा ली, पर उस घर का आंगन इतना ही बड़ा था जितना यहां से लेके वहां की दीवार। वो लड़की को लेके जैसे तैसे आधे रास्ते तक ही पहुंचा था कि लड़की के मन में फिर मां के प्रति प्यार जग गया। वो भाग के मां के पास है, लड़की का बाप बोला जा बेटे लेके आ। कह रहे लेके आ मतलब, ये इस वाली लाइट तक लेके आ तो लेके तो आ गया था, बस यहीं पे ले आओ ज्यादा। कह रहे दोबारा से उठा। अब दोबारा से उठाए तो उससे उठे ना भाई साहब। अब की बार इस बच्ची ने गाना बदल दिया, अब की बार गाना गाया इसने मेरी जंग फिल्म का, जीत जाएंगे हो। अब जिसने उठा रखे उसकी आवाज, बच्ची ने फिर गाया, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। अब जिसने उठा रखे उसका, जिंदगी और कदम भी बस खत्म है। वो थोड़ा सा आगे बढ़ा, वो थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उसकी लड़की की बड़ी बहन जो कि 175 किलो की थी, उसने अपना 25 किलो का हाथ उसी कंधे पर रख दिया जिसमें पहले से नाम। यकीन मानो जिस तरीके से तुमने माला पहनाई है ऐसी तो मेरी लुगाई ने भी नहीं पहनाई थी। नहीं, और मैं आपसे आग्रह करूंगा इस बार का करवा चौथ भी आप ही रखना मेरे लिए। मैं घरवाली को कैसे भी समझा के आऊंगा पर तुम्हारा व्रत खुलवाने आऊंगा। बैठो भाई, जय। भाई साहब लड़की, उस लड़की की बड़ी बहन जो कि 175 किलो की थी, उसने अपना 25 किलो का हाथ उसी कंधे पर रख दिया जिस पर पहले से 150 किलो पड़ा था, और हाथ रख के बोले देख ससुर को पिता की तरह देखियो, सास को मां की तरह देखियो, नंद को बहन की तरह देखियो, और देवर को। वो बोला तू लिख के दे दे, मैं गाड़ी में दे दूंगा। भाई साहब थोड़ा सा आगे बढ़ा तो लड़की का बाप रो रहा, कह रहा हो अच्छा। रोते रोते बेचारे के मुंह से ऐसा शब्द निकल गया, ओ मेरी फूल सी बच्ची। अच्छा जी सुभाष जी फूल सुन के तो उसका खून सूख गया जिसने उठा रखी थी। कह रहा कौन सी बच्ची। फूल सी बच्ची। कह रहा साले तेरे इस फूल ने ना शमशान घाट में मेरे फूल चुनने वाले काम कर रखे झाड़ी वाले बाबा की।
थोड़ा सा आगे बढ़ा तो जिसने उठा रखी थी उसकी पत्नी और उसका लड़का वहीं पे खड़े, जिसने उठा रखी थी और पत्नी खड़ी, आज ना बचे ये तो गए। उसका ध्यान अपनी पत्नी की तरफ, बोला कौशल्या रो क्यों रही है? बोली रो ना तो क्या करूं, आज या तो ये विदा हो जाएगी या फिर मैं विधवा हो जाऊंगी रोना के है। पर ऐसे में भी उसका दिमाग देखना क्या बोला उसने, सुभाष जी आप सुनना। बोली रोना क्या है, या तो आज ये विदा हो जाएगी या फिर मैं विधवा हो जाऊंगी रोना क्या है? बोला अगर मुझे कुछ हो जा तो अपने छोरे को सुभाष चौधरी जी से मिलवा दियो, कहीं ना कहीं तो राजनीति के चक्कर में एक पान का ठोला खुलवा कर रखती। थोड़ा सा आगे बढ़ा भाई साहब, अब आगे बढ़ते लड़की की बुआ आ गई। लड़की की बुआ खुद 40 किलो की और जमीन पर लेट के उसके दोनों पैर पकड़ लिए, बोली मैं मर जाऊंगी मैं अपनी बेटी को ना ले जान दूं, मैं मर जाऊं। बोला देखियो हाथ से छूट रही है और तुझ पे गिर गई ना तो सचमुच की मर जाएगी। बुआ साइड में खड़ी होगी, बुआ साइड में तो थोड़ा सा आगे बढ़ा। इतने में एक पंडित जी आकर, जजमान मुझे लग रहा है इस लड़की को उठाने में बहुत ज्यादा कष्ट भोग रहे हैं, मैं अभी हनुमान चालीसा पढ़ देता हूँ बिल्कुल गेट तक इसे लेके पहुंच जाएंगे। वो बोला भाई महामृत्युंजय का जा पाता हो तो पढ़ दे। थोड़ा सा आगे बढ़ा, अब बिल्कुल गेट तक आ गया, उसे डोली वाली कार भी दिखाई दे रही है। इधर में फिर पीछे से किसी ने आवाज लगा दी, अरे भाई लड़की की दादी कुछ कहना चाह रही है। कह रहा साड़ो मेरी सुपारी उपारी ले रखी है के? अब लड़की की दादी बुलाई गई, लड़की की दादी को दो तो लड़के उठा के लेके आए। अब लड़की की दादी ने बोलना स्टार्ट किया, भैया क्या कह रही है? यूं कह भैया बुजुर्ग हो रहते हैं सांस फूल रही है। कह रहा साड़ो किसी की सांस उखड़ भी तो रही है। अब लड़की की दादी ने रोना स्टार्ट किया। अच्छा पहले की दादियां जितनी भी होंगी वो सब एक गाना बोल के लड़की विदा करा देती थी। बोली हो मेरी चिड़िया उड़ गई रे, ओ मेरी चिड़िया। बोला किसी के तोते भी तो उड़ा रही है। अब वो डोली वाली कार तक सीधा सीधा पहुंच गया। बोला जल्दी से दरवाजा खोल। ड्राइवर बोला अंकल जी योगा गाड़ी नहीं है, 6 गाड़ी छोड़ के। वो किसी तरीके से हिम्मत लेके 6ठी गाड़ी तक पहुंचा। बोला जल्दी से दरवाजा खोल। उसका ड्राइवर अंकल जी वो, अरे बोल वो मजाक कर रहा, वही गाड़ी थी। वो फिर दोबारा उसी गाड़ी पे आया। उसने बोला जल्दी से दरवाजा खोल, मैं बस उतार दूंगा इसे। कर अंकल जी ये दरवाजा जाम हो रहा है, घुमा के ले जाओगे? अब वो घुमा के ले जाने लग गया तो एक बच्चा बोला अंकल जी पीछे हो जाओ। कह रहा क्यों क्यों हो गया? कह रहा अंकल जी यहां से गाय आ रही है। वो बोले बेटा गाय ना बोल, मैं गेंडा लेके आ रहा हूं। अगले ने जैसी छोरी गाड़ी में बिठाई, गाड़ी का पिछला टायर पंचर। लड़की का बाप बोले निकाल। कह रहे निकाल मतलब? अंकल जी ये तो ठुस्सी बहुत मुश्किल से है। पर किसी तरीके से गाड़ी कटवाई गई, लड़की जेसीबी पे विदा हुई। पर पग फेरा आप भी जानते हो भाई साहब, पग फेरा गांव का एक चक्कर लेके। बोला बस जैसी लड़की जेसीबी पे विदा, अगले ने चैन की सांस ली। लड़की का बाप बोला बेटा चैन की सांस क्यों ले रहा है? अभी तो गांव का एक चक्कर करके फिर घर में जाएगी, तुझे फिर लेके आना पड़ेगा। अगले दिन फिर यह हुआ कि लड़की यहां विदा हुई और उसकी अर्थी यहां विदा हुई। धन्यवाद विनोद पाल आपके क्षेत्र से। हमारे इस मंच पर जो आप बिल्कुल सेंटर में बैठे हैं हमारे सरदार जी, आप देख रहे हैं। और लोग कहते हैं कि जब घड़ी की सारी सुइयां सेंटर में आ जाती हैं तो फिर दिमाग सेंटर में नहीं रहता। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि 12 बजे का कोई भी संबंध सरदारों से नहीं है, क्योंकि दिन के 12 बजे भगवान राम का जन्म हुआ, रात के 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। और 12 बजे भगवान का जन्म इसलिए होता है क्योंकि 12 बजे घड़ी की सारी सुइयां एक होती हैं और भगवान की नज़र में सभी एक समान होते हैं। जोरदार तालियां सरदार मनजीत सिंह जी, जो 51 या विदेश यात्राएं कर चुके हैं, 51 बार इन्हें विदेश जाने का मौका मिला है। इस मंच पर जितने कवि हैं सबसे ज़्यादा बार आप गए हैं विदेशों में,
और पिछली बार तो अभी बहुत जल्दी से एक यात्रा करके आए विदेश में, एक कवित्री को अपने साथ ले गए थे। अच्छा, वहां जाकर के कवि सम्मेलन के बाद सरदार जी घूमने निकल गए। वहां पर एक म्यूजियम था, म्यूजियम के बाहर अंग्रेजन खड़ी थी छोटे छोटे कपड़ों में। तो उन्होंने कहा, जी आप किस लिए खड़ी हो? इन्होंने पूछा। उन्होंने कहा, मैं घुमाती हूँ यहाँ, हम गाइड हैं। उन्होंने कहा, कितने पैसे लेते हो? बोली 5,000। इन्होंने कहा, 500 रुपये लेने हैं तो बात कर। उसने मना कर दी। ये बेचारे खुद ही घूमघाम के आ गए, लेकिन आकर के इन्होंने कवित्री को बताया बहुत शानदार म्यूजियम है। उसने जिद की कि मैं भी चलूंगी। अगले दिन ये ले करके पहुंचे। जैसे ही वहां पहुंचे तो पहले दिन वाली वही अंग्रेजन आ गई। पहले सरदार जी को देखा, फिर इनके साथ उस कवित्री को देखा जो देखने में शंभू जी की बहन लग रही थी, और बोली 500 में तो ऐसी मिलेगी। जोरदार तालियां एक बार आप बजाएं सरदार मनजीत सिंह जी, जोरदार तालियों के बीच दोनों हाथ उठे, जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, और मफतलाल जी ने बड़ी मेहनत से, बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से ये कार्यक्रम यहाँ किया है। और ये भाई हमारे रसिक गुप्ता बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। इन्होंने शुरू शुरू में बात की थी, और बात की थी कि साहब 12 बजे का सरदारों से कोई वास्ता नहीं है। बार बार इन्होंने कहा कि 12 बजे का सरदारों से वास्ता नहीं है, सरदारों से कोई लेना देना नहीं है। भाई क्यों लेना देना नहीं है? क्यों नहीं है लेना देना, ये बताओ। इन्होंने बताया कि भगवान राम का जन्म हुआ दिन के 12 बजे, कृष्ण जी का कब हुआ? रात के 12 बजे। राम हुए त्रेता में, कृष्ण हुए द्वापर में। ये कलयुग चल रहा है, किसी और देवता ने अवतार लेना था, सरदारों ने ले लिया। भाई मनमोहन सिंह किसी गांव के पंच नहीं चुने जा सकते थे, अगला 10 साल तक देश का प्रधानमंत्री रहा। बताओ ये कलयुग के अवतार नहीं तो क्या है? अरे दूसरी स्थिति आप, और ये देखो घड़ी की 3 सुइयां हैं, सबसे तेज भागने वाली सुई है सेकंडों की। जनसंख्या के हिसाब से देखें तो हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करती है, दूसरी है मिनटों वाली, मुस्लिम भाइयों के हिस्से में आई है, तीसरी का पता नहीं लगता कि चल रही है कि नहीं चल रही, घंटे वाली सरदारों के हिस्से में वो आई है। जहां 3 सुइयां मिलती हैं वहां 12 बजते हैं। अगर देश में राष्ट्रीय एकता पैदा करनी है, सांप्रदायिक सद्भाव पैदा करना है, प्रेम और भाईचारा पैदा करना है, तो इन 3 सुइयों को मिलाना होगा और देश के 12 बजाने होंगे। क्या बात है, वाह 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 वाह। और जो लोग नहीं जानते इसका असली कारण, मैं उनके जानकारी में दे दूं कि जब विदेशी आक्रमणकारी हमारी बहन बेटियों को उठाकर ले जाते थे, तो हिंदू धर्म के सिपाही सिख रात के 12 बजे आक्रमण करते थे उनके तंबुओं पर, अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित छुड़ा कर लाते थे। तो वो विदेशी आक्रमणकारी कहते थे कि 12 बज गए, उनकी बात थी ये। भाई क्या बात है, वाह 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 वाह। और कहीं डॉक्टर हरिओम पवार कहते हैं कि हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद की कुर्बानी का, हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद की कुर्बानी का, हम क्या एहसान चुकाएंगे उनकी आंखों के पानी का, हम उनकी पूजा करते हैं आजादी के आधारों में, जिनके आगे जिनके दो दो बेटे छिन गए दीवारों में, जिनके आगे जिनके दो दो बेटे छिन गए दीवारों में। तो ये इतिहास है, नहीं जानते। और मैं आपको बताऊं, ये 15 अगस्त को मोदी जी ने एक नारा दिया हर घर तिरंगा, तो मैं भी तिरंगा फहराने निकला। तो मेरा जो अड़ोसी था, भाई पड़ोसी के बारे में तो जानते हो आप, पड़ोसी वो होता है मफतलाल जी जो बाएं दाएं के होते हैं, पड़ोसी होते हैं, और सामने वाले अड़ोसी होते हैं। तो अड़ोसी मेरा बोला देखो जी ऐसा है, ये तिरंगे में केसरिया रंग हिंदुओं का है, सफेद ईसाइयों का है, हरा मुसलमानों का है, सरदारों का है क्या? अरे मैंने कहा जो झंडे में डंडा है तेरे बाप का है क्या? तो तालियां बजाइए, मैं भी इस मंच के झंडे में अपना डंडा लगाने के लिए आपके सामने हुआ हूं, और आपकी एक बार जोरदार तालियां बजाइए, फिर देखिए सत्र टूटे हम चलते हैं। ऑनर किलिंग से प्रेम कथा फेल हो गई, ऑनर किलिंग से प्रेम कथा फेल हो गई, हत्यारों की तो अगले दिन ही बेल हो गई, अरबों का माल लूट के वो उड़ गए विदेश, कुछ मुर्गी चोरों को यहाँ पे जेल हो गई, कुछ मुर्गी चोर। अरे मोदी जी ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो विजय माल्या और नीरव मोदी अपना माल पैक करा के निकल गए। स्थितियां देखिए आप, क्या देखिए, मैं मेरी मातृभाषा पंजाबी है, मैंने एमए अंग्रेजी में किया, 18 साल अंग्रेजी पढ़ाई, जिला शिक्षा अधिकारी के पद से रिटायर हुआ फरीदाबाद से। मेरी लिखने की भाषा है, जो मेरे बोलने की भाषा वो हिंदी है,
और जब मैं किसी हिंदी भाषी को हिंदी में बात करते देखता हूँ तो मेरा सीना जो गर्व से चौड़ा होता है। मोदी जी जब कहीं बोलते हैं गुजराती होने के बाद हिंदी में तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा उन्होंने बताया हिंदी सीखी कैसे, उन्होंने बताया मैं चाय बेचते बेचते हिंदी सीख गया। आपने पढ़ा होगा सुना होगा मैं चाय बेचते बेचते हिंदी सीख गया। भाई इसमें क्या खास बात है, आधा पंजाब दारू पी पी के अंग्रेजी सीख गया। भाई को खास बात है तो बताओ। अब वो 2014 में जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो कार्यकर्ताओं ने नमो टी स्टॉल करके फ्री में लोगों को चाय पिलाई, आइए चाय पीजिए, मोदी जी कभी चाय बेचा करते थे, आइए उनके सम्मान में चाय पीजिए। तो एक शराबी पड़ा हुआ था परले किनारे पे, वो बोला ये मोदी जी अगर 7-8 दिन किसी शराब के ठेके पे भी काम कर लेते तो इनके क्या बिगड़ जाना था। देखिए हर आदमी अपने अपने फायदे की सोचता है। वो अखबार में खबर छपी कि मंगल ग्रह पर बर्फ भी और पानी भी है, मंगल ग्रह पर बर्फ भी और पानी भी है। तो एक शराबी बोला दारू और नमकीन तो यहीं से लेके जानी पड़ेगी। तो हर आदमी के अपने अपने संकट है। अरे मैं भी बिहार में गए, एक भास्कर के कार्यक्रम थे दैनिक भास्कर के, बिहार में गए तो वहां क्या था कि एक पुलिस वाले ने एक दूधिए को रोक लिया, वहां शराबबंदी है, दूधिए को रोक लिया। बोले इसमें क्या है ड्रम में, बोला जी दूध है। बोला दिखा, उसने खोला उसमें शराब थी। अरे बोले तो शराब है, बोले साहब भैंस ने रात को पी ली होगी। तालियां वालियां बजा के देखिए मस्ती से, विदाई लेनी है तो आनंद से लेके मस्ती से आप जो है। अरे वो पत्नी अपने पति से बोली जब तुम अंग्रेजी पी के आते हो ना तो मुझे परी कहते हो, देसी पी के आते हो तो रानी कहते हो। ये अलग अलग ब्रांड के अलग अलग प्रभाव है, आपके ज्ञान में नहीं होंगे ये। अंग्रेजी पी के आते हो तो परी कहते हो, देसी पी के आते हो तो रानी कहते हो। आज कौन सी पी है जो चुड़ैल चुड़ैल कह रहे हो। मैं अंग्रेजी पी के आते हो, परी कहते हो, देसी पी के आते हो, रानी कहते हो, आज कौन सी पी है जो चुड़ैल चुड़ैल कह रहे हो। पति बोला आज होश में हूं। अगले का ड्राई डे चल रहा था, ठेका बंदे। तो साहब ये सारथी परिवार का मंच है, इससे अच्छी बात होनी चाहिए, संदेश की बात होनी चाहिए। तो मैं तो यही कहूंगा कि शराब बुरी चीज है, आओ इसे खत्म करें। नोट गिनने में लगे हुए हैं। शराब बुरी चीज है, आओ इसे खत्म करें। एक बोतल तुम करो, एक बोतल हम करें। भाई खत्म करनी है नहीं, मेरा मतलब ये कि एक फोड़ कर आप नाली में बहाओ, दूसरी मैं बहाऊं, पैसी तो खत्म होगी। लेकिन लोग वहां पहुंच जाते हैं जहां पहुंचना चाहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि विभाजन आगे लोग बड़े पहुंचे हुए हैं। और देखिए साहब वो क्या है, एक रचना आजकल क्या है, सुबह सुबह जो होता क्या है कि आप सुबह सुबह जो फेसबुक के लोग जो वहां हैं तो उनको सुबह सुबह 5-7-10 फ्रेंड रिक्वेस्ट आती हैं, और खूबसूरत महिलाओं की, ऐसी महिलाएं जो पता नहीं दुनिया में हैं कि नहीं है, ऊपर से उतरी हैं या फोटोशॉप करके आई हैं, इनकी वो आपको आती हैं और स्थिति क्या बनती है जी। ये सुंदर सी छवि देख दिल कवि का धड़का है, सुंदर सी छवि देख दिल विनोद का धड़का है, और मैसेज हुए हसीन तो जज्बात भड़का है, चैटिंग करी महीने 3 फिर पता लगा, चैटिंग करी महीने 3 फिर पता लगा, करीना ना थी वो कमीना एक लड़का है। तालियां वाले बजा दीजिए साथ साथ। ये रसिक गुप्ता का लड़का बोला पापा पापा मैंने फेसबुक पर लड़कियों के नाम से 5 फर्जी अकाउंट बनाए हैं, फेसबुक पर लड़कियों के नाम से 5 फर्जी अकाउंट बताए हैं। तो बोले मुझे क्यों बता रहा है, बोले 4 पर आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई है। तो इनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए। मैं गया इनके यहाँ, एक पेंटर बैठा करता था गली के बाहर, अब के बार सर गया तो पेंटर गया, मैंने कहा पेंटर का क्या हुआ, अरे बोले उसके पास बड़े अच्छे अच्छे बोर्ड बनने के लिए आए, एक नाई एक हेयर ड्रेसर बोर्ड दे गया लिखने के लिए, यहाँ बढ़िया हजामत की जाती है, 2 बोर्ड फिल्म वाले दे गए लिखने के लिए, खतरों के खिलाड़ी बर्बाद करके रख देंगे, अच्छा एक बोर्ड एक प्राइमरी स्कूल वाले दे गए लिखने के लिए, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, पुलिस वालों ने भी 2 बोर्ड दे दिए लिखने के लिए, पुलिस थाना पुलिस नाका, अच्छा वो जेब जो ये रोडवेज वाले हैं उन्होंने भी बोर्ड दे दिए लिखने के लिए, जेब कतरों से बचिए कृपया खुले पैसे दीजिए, और साहब एक ऑर्केस्ट्रा कलाकार दे गया बोर्ड लिखने के लिए, विवाह शादी और खुशी के मौके पर बुकिंग यहीं करवाइए, और सबके देखा देखी शमशान घाट वालों ने भी एक बोर्ड दे दिया लिखने के लिए शमशान घाट। तो मैंने कहा हुआ क्या,
बोले उसने बहुत बढ़िया बोर्ड बनाए, बहुत बढ़िया कलर कम्बिनेशन, बहुत बढ़िया कलर कंट्रास्ट। मैंने कहा फिर हुआ क्या? बोला होना क्या था, उसके यहाँ अनपढ़ नौकर था, उसकी जिम्मेवारी लगा दीजिए बोर्ड लगा क्या। अब वो यहाँ का बोर्ड वहाँ लगाया, वहाँ का बोर्ड वहाँ लगाया। अब जहाँ आपको आनंद है तालियां बजाते रहिएगा, मजा लीजिएगा। पुलिस थाने के बाहर उसने बोर्ड लगा दिया, यहाँ बढ़िया हजामत की जाती है। रोडवेज की बस के पीछे लगा दिया, खतरों के खिलाड़ी। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के बाहर बोर्ड लगा दिया, बर्बाद करके रख देंगे। ऑर्केस्ट्रा कलाकार के यहाँ बोर्ड लगा दिया, जेब कतरों से बचिए। अरे पुलिस नाके के बाहर बोर्ड लगवा दिया, कृपया खुले पैसे दीजिए। और सबसे खतरनाक बोर्ड, आप तालियां मत रोकिएगा, सबसे खतरनाक बोर्ड शमशान घाट के बाहर लगवा दिया। वहां लिखवा दिया, विवाह शादी और खुशी के मौके पर बुकिंग यहीं करवाइए। मैं तो एक सर बताऊं, मैं तो दिल्ली में आजकल रहता हूं, मेरे भी एक दोस्त हैं, वो नेता हैं, अभी अभी उनकी शादी हुई कुछ दिन पहले। तो नेताओं की जैसे शादी होती है, तो जैसे हम लोगों की होती है, वैसे नेताजी की शादी हुई। तो हमारे मित्र की जब शादी हुई, नेताजी थे, शादी के बाद भी नेता ही रहे, लेकिन शादी जब हुई तो नेताओं के साथ अक्सर आपने देखा होगा 10-20-25-50 समर्थक साथ चलते हैं। अब उनकी शादी हुई, शादी के बाद वो जैसे ही सुहागरात के लिए कमरे में घुसने लगे, तो पीछे पीछे वो 10-20-25 समर्थक भी, नेताजी समझदार थे, गेट पर ही रोक दिया। बोले अंदर तुम्हारा काम नहीं है, चलो बाहर से समर्थन करो। अब बाहर से समर्थक चिल्ला रहे हैं, नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वाह क्या आनंद लिया, ऐसे ही समर्थकों क्या आप लोग भी? लेकिन नहीं नहीं हो जाता है मामला बिल्कुल। मैं तो सर बिहार का रहने वाला, बिल्कुल तनाव नहीं लेता, एक पैसे का तनाव नहीं लेता। और जब उत्तर प्रदेश आता हूँ तो वैसे भी तनाव नहीं लेता। मैं आज नोएडा से यहाँ तक आया, एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ। नोएडा से यहाँ तक मफतलाल जी मैं आया, और नोएडा से लेके यहाँ तक रास्ते में मुझे 20 जगह पर पुलिस सहायता केंद्र मिले, एक भी जगह पर नेता सहायता केंद्र, कवि सहायता केंद्र, आयोजक सहायता केंद्र एक भी जगह नहीं थे। पुलिस सहायता केंद्र 20 जगह थे। और बात आप लोगों तक पहुँच जाए तो पीछे तक बैठे हुए लोगों का आशीर्वाद चाहिए, बात आप लोगों तक पहुंच जाए तो। पुलिस सहायता केंद्र का अर्थ है, आप जब भी पुलिस सहायता केंद्र के पास से गुजरे तो उनके सहायतार्थ 100-200 रुपए का भुगतान करते हुए जाएं। असली सहायता तो तभी होगी। आदरणीय सर आप बीजेपी से जीते हैं? नहीं, निर्दलीय। नहीं, वो निर्दलीय आजकल बीजेपी के हो जाते हैं ना, इसलिए कह रहा था। भाई साहब यहाँ तो दल वाले भी बीजेपी के हो जाते हैं। शंभू भाई क्या संभाला है आपने? नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, वो मैं सच बता रहा हूँ। नहीं देखो, एक तो आप लोगों ने निर्दलीय जिताया, ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जो आदमी किसी दल में होता है ना, एक्चुअली में वो दलदल में होता है। तो आपने दलदल से निकाला, नहीं तो मैंने तो सर पिछले दिनों मोदी जी से पूछा। अच्छा, मोदी जी कमाल के नेता है, अद्भुत नेता, दुनिया में मैंने ऐसे नेता नहीं देखे। अभी सर 2000 का नोट बंद हुआ, रसिक जी जी 2000 का नोट बंद हुआ ना सर, पहली बार मेरे भी भाग्य खुले। पड़ोस की भाभी जी जो 10 साल हो गए शादी किए हुए आए हुए, एक दिन भी बात नहीं की। जिस दिन 2000 का नोट बंद हुआ उसके 2 दिन बाद उनकी फोन आया और बोली कि भाई साहब 10 बजे ड्यूटी चले जाते हैं, आप 10:30 बजे बिना किसी को बताए घर आ जाना, आपसे मुझे कुछ जरूरी काम करवाना है। मैंने कहा आज तो किस्मत खुल गई सर। मैं 10:30 बजे पहुंचा, सच में भाई साहब चले गए थे, ऑफिस कोई नहीं था। मैंने कहा भाभी जी बताइए क्या जरूरी काम करवाना है। बोली कि नहीं नहीं रुकिए रुकिए बताती हूँ। वो कमरे के अंदर गई और सर 2000 के 20 नोट लेकर के आई और बोली इसे छुट्टे करवा देना, भाई साहब को नहीं बताना। तो भाभी जी जो कमाल किया ना उन्होंने, आप लोग जो आनंद ले रहे हैं, मैंने पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। पिछले दिनों वो चीते आए थे भारत में सर, तो वो मैंने चीते से भी पूछा, वो चीते के बच्चे हो ना अभी चीती के, तो मैंने चीते से भी पूछा
भाई जो आदमी मोदी से डायरेक्ट पूछ सकता है उसके लिए चीते कितनी बड़ी बात है। तो मैंने चीते से भी पूछा, मैंने कहा तुम भारत आ रहे हो, तुम्हें यहाँ आते हुए डर नहीं लगा? बोले नहीं, हम वहीं से भाजपा ज्वाइन करके आए हैं। एक आदमी मिला, बोला यार ये मोदी जब से आया देश 500 साल पीछे चला गया। मैंने कहा योगी को आने दे, त्रेता युग में ले जाएगा। देश अपना हंसी खुशी से चल रहा है रसिक जी, देश हंसी खुशी से चल रहा है। राहुल जी बोलते हैं हंसी आती है, मोदी जी बोलते हैं खुशी होती है, देश हंसी खुशी से चल रहा है, देश अपना अद्भुत है। आप सबको याद होगा उत्तर प्रदेश के आप लोग हैं, उत्तर प्रदेश का बीच चुनाव, चुनाव के बीच में कांग्रेसियों ने प्रियंका गांधी को लॉन्च किया और कहा प्रियंका हमारा तुरुफ का इक्का है। तो मैंने कहा अब तक क्यों जोकर से खेल रहे थे, तुम्हारे पास पहले से इक्का था। तो देखिए आदरणीय सरदार जी का भी आशीर्वाद मिल रहा है, देश के बड़े कवि हैं हमारे बीच में आदरणीय मंजीत सिंह जी, और वो अपने आप को बहुत सीधे सरल बना करके रखते हैं। जब आप उनको सुनेंगे तो आप सबको आनंद आएगा, वो हंसी बांटते हैं, खुशी बांटते हैं। मैं चार लाइनें आपको सुनाता हूं, आप सबके दिलों तक पहुंचेगा, आनंद आ जाएगा। और ये सच बता रहा हूं मैं आपको, सर मोदी जी इतने अद्भुत आदमी है, अद्भुत आदमी है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। मेरे हिंदी के अध्यापक ने पूछा कि माल्यार्पण किसे कहते हैं, और अगर बात आप लोगों तक पहुंच जाए तो एक एक व्यक्ति का फिर आशीर्वाद चाहूंगा। रसिक जी, हाँ, जी हिंदी के अध्यापक ने पूछा कि माल्यार्पण किसे कहते हैं, मैंने कहा जब सरकार हमारी सारी संपत्ति इकट्ठा करके माल्या को अर्पित कर दे तो उसे माल्यार्पण कहते हैं। तो देखो सरकार तो हमारी ऐसी चल रही है, अभी आराम से दिन चल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। रसिक जी बहुत बढ़िया कवि हैं, कवि सम्मेलन से पहले 7 बजे आ गए थे, 2 घंटे तक लगातार फ़ोन पे बात करते रहे। मैंने पूछा रसिक जी किस से बात कर रहे हो, बोले पत्नी से। मैंने कहा 2 घंटे, बोले अपनी थोड़ी है। अच्छा इनकी तो है सच बता रहा है भी नहीं अब तो बेचारे एकदम। चार लाइन सुनिए, आनंद लीजिएगा इन चार लाइनों का, आप लोग को इतना चार लाइनों में मजा आ जाएगा, आनंद की प्राप्ति हो जाएगी चार लाइनों में। सर मैं पिछले दिनों दुबई गया, सुभाष सर दुबई गया, मैं मेरे साथ में रसिक गुप्ता जी, हम दोनों दुबई गए तो मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा। 3 लोग चाय पी रहे थे, एक अमरीका का, एक दुबई का और एक उत्तर प्रदेश का। अब आप कहोगे कि उत्तर प्रदेश का है कैसे पता लगा, चाय पीने के बाद अमरीका के कप आदमी ने कप को हवा में उछाल दिया, जेब से रिवॉल्वर निकाली और उड़ा दिया धाएं। बोले ये तुमने क्या किया, बोले हम अमेरिका वाले जिस कप में एक बार चाय पी लेते हैं उसमें दोबारा चाय नहीं पीते। इतना सुनना था कि दुबई वाले ने सोफा ही उछाल दिया, रिवॉल्वर निकाली और उड़ा दिया धाएं। बोले ये तुमने क्या किया, बोले हम दुबई वाले जिस सोफे पर बैठकर एक बार चाय पी लेते हैं उसमें फिर कभी दोबारा चाय नहीं पीते। अब सर वो उत्तर प्रदेश का, उसने रिवॉल्वर निकाली और एक अमेरिका वाले को धाएं, एक दुबई वाले को धाएं। तो मैंने पूछा तुमने क्या किया, बोले हम उत्तर प्रदेश वाले जिसके साथ बैठकर एक बार चाय पी लेते हैं फिर उसके साथ फिर कभी दोबारा चाय नहीं पीते हैं। ये जो भीतर की मस्ती आप लोगों की है, चार लाइन सुनिएगा। मैंने अखबार में विज्ञापन देखा घर बैठे मिठाई मंगवाइए, मैंने कहा पिज्जा बर्गर तो खूब मंगाया, मिठाई कैसे मंगवाएंगे? तो मैंने अखबार में दिए हुए नंबर पर कॉल किया, उधर से कंप्यूटर है रिकॉर्डेड आवाज आने लग गई। बोले जी नमस्कार, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर में आपका हार्दिक स्वागत है, मिठाई लेने के लिए 1 दबाइए, चाट पापड़ी के लिए 2 दबाइए, गजक नमकीन के लिए 3 दबाइए, गोलगप्पों के लिए 4 दबाइए, मुझे मिठाई चाहिए थी मैंने 1 दबा दिया, लड्डू लेने के लिए 1 दबाइए, बर्फी लेने के लिए 2 दबाइए, जलेबी लेने के लिए 3 दबाइए, रसगुल्ले के लिए 4, मुझे लड्डू चाहिए था मैंने फिर 1 दबा दिया, बेसन के लड्डू लेने के लिए 1 दबाइए, मोतीचूर के लड्डू लेने के लिए 2 दबाइए, गोंद के लड्डू लेने के लिए 3, तिल के लड्डू के लिए 4, मुझे बेसन का चाहिए था मैंने फिर 1 दबा दिया, 1 किलो लेने के लिए 1 दबाइए, 2 किलो लेने के लिए 2 दबाइए, 3 किलो लेने के लिए 3, 100 किलो के लिए 4, 1 दबाना था गलती से 4 दब गया। मैंने वही किया जो आप लोग करते, तुरंत ही फोन काट दिया। 1 मिनट बाद कॉल बैक आ गई, बोले जी नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं, आपके यहां से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है? मैंने कहा अरे तो फंस गए, लेकिन सर बिहारी आदमी फंसता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं फंसता है, मैं सच बता रहा हूँ आपको, फंसाता भी नहीं है, बीच का रास्ता निकालता है। बोले जी जल्दी बताइए, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है? मैंने कहा देखो भाई ये फोन किसने किया मुझे तो पता ही नहीं, घर में हम 9 भाई हैं,
सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए एक दवाई है, उसे छोटे से बात करने के लिए दो दवाई है, उसे छोटे से बात करने के लिए तीन दवाई है, और जब तक असली वाला ना मिल जाए तब तक दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए। आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। क्या बढ़िया सुन रहे हैं सर, छोटे छोटे बच्चे भी कविता सुन रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। इन बच्चों को देखिए, जय, इन छोटे छोटे बच्चों को देखिए सर। सुभाष बाबू, मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ, इतनी छोटे छोटे बच्चे, ये लॉकडाउन की पैदाइश है। सर, हम सबको काम मिला हुआ था, वर्क फ्रॉम होम, तो दो गज की दूरी का उल्लंघन करते हुए हमने जो भारत की जनसंख्या में विशाल वृद्धि की, उसी का परिणाम है कि आज हम विश्व में नंबर वन हैं। हमें साफ देखो ना, भारत क्या है, पूरी दुनिया में नंबर वन है आबादी में, जबकि सबसे ज्यादा संस्कारी, सबसे ज्यादा शर्मीले, सबसे ज्यादा धार्मिक हम ही लोग हैं। आप सोचो, हम संस्कारी और शर्मीले नहीं होते तो हम कितने होते। चार लाइन सुनिएगा, बहुत अच्छा। बस पांच मिनट आप लोगों के बीच में और रहूंगा, और रसिक गुप्ता जी को काव्य पाठ के लिए बुलाऊंगा। रसिक गुप्ता जी वो कवि भी हैं और जादूगर भी हैं, दोनों ही काम अद्भुत हैं। सचमुच में जादूगर है, मजाक नहीं कर रहा मैं आपको, ये मतलब अभी आपको कविता सुना रहे हैं ना, आपको लग रहा है कविता सुना रहे, कविता थोड़ी सुना रहे, जादू दिखा रहे हैं। मैं आपको चार लाइन सुनाता हूँ। आप लोगों में से कितने लोग रील्स बनाते हैं, दो चार देखते तो सब हो, है ना, सभी हो, बुड्ढे बुड्ढे भी लगे रहते हैं आजकल तो। सर, हमारे यहाँ शादियों का सीजन चल रहा है बहुत तेजी से, बिहार में बहुत शादियाँ हो रही है, शादी इतनी ज़्यादा हो रही, इतनी ज़्यादा हो रही है साहब, कि मैं सच बता रहा हूँ, वो हमारे 90 साल के एक ताऊ, वो बोले कि बेटा मैं भी शादी करूँगा। मैं, ताऊ 90 साल में किससे करोगे? बोले तेरी ताई से कर लूँगा। मैं, तुम्हें ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें 90 साल में शादी करने की पड़ गई? बोले कुछ नहीं, वो मंडप पे जब पंडित जी कहेंगे लड़का को बुलाओ, तो फील जो आएगा लड़का होने का, बस उसी को फील करने के लिए शादी करना चाहता हूं। आदमी ऐसे फील करता है। चार लाइन सुनना, आपको सुनाता हूं रसिक जी, जी वो रील्स बनाने वालों की जी। कि लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए, दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले लिए, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले। उत्तर प्रदेश में जब योगी जी की सरकार बनी तो पहला काम किया एंटी रोमियो, जैसे जूलियट की गलती ना हो, आधार कार्ड मिलवा के पीटे गए। मैंने चार लाइनें लिखी। कि जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भवरे को जाने नहीं देते, इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं देते, खुद से न पटी। इस पे तो बाबा भी ताली बजा रहे हैं। बाबा तुम्हें कौन पटाने की पड़ गई? बेटा सही कह रहे हो, खुद उत्तर प्रदेश के ही चार हैं। आओ भाई साहब, ये देखो, ये जो है ना, मतलब मेरे पीछे से बाल देख करके माता की चुनरी पहना। तुम्हारा तो भैया माता भैरव दोनों का काम इकट्ठा कर रहे हो। आओ भाई साहब, आओ सुभाष जी, माला पहना दी आपने, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आप तो चुनाव जीते भी हो, जो लोग नहीं जीते वो 500 के नोट ला रहे हैं। आप तो आप तो यहीं बैठ जाओ भाई साहब, हमारे साथ ही आ जाओ, बैठ जाओ। हाँ जी जी, देखो एक अच्छी बात आपको बताऊं, हम कवि लोग जो होते हैं ना, वो राजनीति को बिल्कुल आईना दिखाने का काम करते हैं, और उसके बावजूद अगर कोई जनप्रतिनिधि कवियों को सामने बैठ करके सुने तो आप समझ लीजिए कि उसके अंदर कहीं ना कहीं सच्चाई बची हुई है, इसलिए कवियों को सामने बैठकर सुन रहे हैं। नहीं तो हम लोगों को तो जो पत्रकार से ज़्यादा खतरनाक होते हैं कई बार हम लोग, तो मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैंने चार लाइन एक बार लिखी थी, एक चार लाइनों पर आप लोग आनंद लीजिएगा। ट्रंप आए थे भारत, लोगों ने ट्रंप को तरह तरह की सलाह दी, एक सलाह ट्रंप को मैंने दी, और आपको लगे मफतलाल जी कि ट्रंप को मैंने बिल्कुल सही सलाह दे दी, तो आप लोगों को आनंद आ जाएगा। ट्रंप को मैंने क्या सलाह दी, ट्रंप जब भारत आए थे, कि लालू से मिलो वो तुम्हें बिहारी ना कर दे, जनता तुम्हें यहाँ की ही भिखारी ना कर दे, उत्तर प्रदेश आना ट्रंप
सोच समझ कर योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी न कर दे। चार लाइन और सुनिएगा कोरोना काल की। क्या कोरोना का अद्भुत टाइम था, जब मैं तो बिहार से हूँ, वहाँ शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा। अभी मैं बिहार यात्रा पे गया था, सच बता रहा हूँ, बिहार यात्रा पे गया था तो बिहारी लोग पूछने लगे, यार तुम तो शराब बंद हो गई, दिल्ली चले गए, अब यहाँ पे बंद है, तुम यात्रा पे आए हो, तुम्हारा मन कैसे लगेगा? तो मैंने कहा देखो बिहार में भगवान और शराब एक जैसे हैं, हैं हर जगह, दिखते नहीं हैं। जिन जिनको समझ में आई उनको आनंद आएगा। चार लाइन लीजिए बस, ऐसी दो चार तालियां बहुत है। हम मुझे तो कहीं पर भी पांच समझदार लोग मिल जाए ना भाई साहब, तो मैं पूरी रात सुना सकता हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो। तो तीन समझदार तो इधर बैठे हुए हैं, एक उधर बीच में बैठे हैं, इधर में से कोई भी एक समझदार व्यक्ति बीच बीच में ताली बजाते हैं। मंच पे आ गए, उन पे ध्यान नहीं आपका? वो तो इन समझदारों के राजा हैं भाई साहब। हाँ, उनकी कोई वो थोड़ी है, वो तो भाई साहब देखो सब बड़ी बात है, जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि भी कमाल के होते हैं। मैं चार लाइनें आपको सुनाता हूँ, आप आनंद लीजिएगा। एक बार एक स्कूल में आनंद लीजिए चार लाइनों का। बात करने को बहुत सारी है, लेकिन कोरोना काल की चार लाइन। जहाँ जाओ वहीं सैनिटाइजर। सर मैं मंदिर गया वहां भी सैनिटाइजर, तो मैंने चंद्रामृत समझ कर चाट लिया। एल्कोहल का टेस्ट आया, मैंने कहा दो चार बार और दो, इससे क्या फर्क पड़ रहा है, ऐसा था बता कहीं चले जाओ। अब देखना कोरोना काल में कि बातों में वो पहले से अधिक मीन हो गई, मौका मिला तो दो से भले तीन हो गई, करते थे सैनिटाइज जिसे इश्क से अपने, जाने वो किसके संग क्वारंटीन हो गई, जाने वो किसके संग। चार लाइन और सुनिएगा कि भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना, सलमान के जैसे भले बीते ये जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना, चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं तो अद्भुत ही कभी क्लास में अध्यापक है, बोले कौन बेवकूफ है खड़ा हो गया, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ है, मैंने कहा नहीं सर आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते हो। चीनी को जमा, संस्कृत का अध्यापक आ गए, बोले तमसो मा जोत, क्या हुआ भैया आ जाओ, अरे इसको कहाँ भेज दी, रहो ये तो पैसे देने आए, पैसे देने आए। अकेला आदमी जो 200 का नोट लेकर के आया है, लाओ भाई। अच्छा नाम भी बुलवाना है इसको, अब मैंने बोल ही दिया, अब तो ले जाओ। भैरों की असली कीमत इन्होंने समझी है। वो कौन है पत्रकार जी, लोग बता रहे थे प्रेम से लोग पत्रकार कहते, प्यार से कहाँ है भाऊ जी, आप सच के हो या प्यार से पत्रकार? बोले इन्हें प्यार से पत्रकार बोलते, ये मैंने पहली बार सुना है भाई साहब। पत्रकार ना है, एक बात बताओ यार, पत्रकारों की तो ऊपरी कमाई होती नहीं, तुम ये 200 रुपए लाए कहां से? वो पत्र बेच के लाया है भैया। अच्छा, पत्र बेच के कार तो आएगी नहीं। धन्यवाद ये 200 रुपए देने के लिए, महंगाई बहुत है, मैं रख लेता हूँ। 2 लीटर पेट्रोल आएगा भाई साहब, 2 लीटर एकदम है ना। चार लाइन सुनिएगा रसिक जी। हाँ। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना, वो मोदी जी चले गए नासा, वैज्ञानिकों ने 2 मिसाइल दी, मोदी जी ने पूछा मिसाइलों का मैं क्या करूंगा, वैज्ञानिक बोले सर आपको तो आदत है फेंक देना। चीनी को जमा कर, तो आपकी एवरेज अच्छी आएगी, 2 लीटर पेट्रोल भी चला गया अंदर। हाँ हाँ भाई, किसका फोन आ गया? हेलो, इतनी रात को या तो उधार से फोन आता है या जुगाड़ से, जुगाड़ का ही लग रहा है ना, इनको तो उधार की भी जरूरत है, हाफ पैंट में आए। ए भाई एक बात सुनो, ये देखो ये हाफ पैंट में आए, मैंने इनसे पूछा था, ये गेट पे मिले थे, मैंने कहा भाई साहब तुम कवि सम्मेलन सुनने हाफ पैंट में आ गए? बोले यार शंभू जी आज सैटरडे हाफ डे हाफ पैंट। मैंने कहा अच्छा हुआ सारथी परिवार ने संडे को नहीं कराया, नहीं तो भाई साहब क्या पहन के आते। चार लाइन सुनना, आनंद लेना बहुत मस्ती से कि चीनी को जमा करके फिर से गन। इतना बढ़िया आप लोग सुन रहे हो ना, एक हार्ट हॉस्पिटल के बाहर एक शेर लिखा हुआ था कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता यूं हजारों के साथ।
अपने जीवन में एंजॉय के लेवल को बढ़ा लीजिए तो कभी भी एंजियोग्राफी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीवन में उसी के एंजियोग्राफी कराने की जरूरत पड़ती है जो एंजॉय के लेवल को नहीं बढ़ाते हैं। और एंजॉय का मतलब खाली कवि सम्मेलन नहीं होता, और भी चीजें होती है कि चीनी को जमा करके, मैं सच बता रहा हूं, गणित के अध्यापक आ गए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपये 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए तो 10 दिन बाद कितना लौट आएंगे। मैंने कहा वो नहीं लौट आएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते, आज तक एक का नहीं लौटाया। चीनी को जम, गणित वाले फिर आ गए, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। चीनी को जम, ये देखिए बाबा जी फिर हंसे, दादा तुम्हें एक्स की वैल्यू भी पता है? एक बात बताओ, तुम्हारे टाइम पे एक्स होती थी? नहीं, मैंने तो अपने दादा से पूछा, मैंने कहा दादा आजकल तो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, वो इंस्टा है, ट्विटर है, पता नहीं क्या क्या, टिंडर भी है। आपको दादी से मिलने का मन होता था तो आपके टाइम पे तो सब कुछ था नहीं, आप क्या करते थे? बोले कुछ नहीं, मैंने घंटी रखी हुई थी, जब मिलने का मन होता था बजा देता था। बोले अच्छा, तुम्हारा तो मन हो जाता था? और दादी? बोले बेटा कुछ नहीं, वो तो इतनी चालू थी कि खुद आधे घंटे में आके पूछती रहती थी, क्यों जी तुमने घंटी तो नहीं बजाई कहीं? तो हमारे दादा बहुत अद्भुत है कि चीनी को जमा, एक बार खुल के तालियां बजाओ, सब मजे ले रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद में इतना बढ़िया। देखो बरसात हो जाए ना तो कभी दुखी मत होना, जैसे हल्की फुल्की बारिश हो तो इसे ईश्वर का आशीर्वाद समझो। हल्की फुल्की बारिश जो है ना अच्छे नेक काम में होती है, तो उसको हम ईश्वर का आशीर्वाद मानते हैं कि वो भी देवता भी आए हैं, गण भी आए हैं, और शंभू जब खुद आए हैं तो फिर आप कुछ बारिश तो होगी। चार लाइन सुनिएगा कि पोशाक पुरानी लिए अभिनव हूँ मनाओ, पोशाक पुरानी लिए अभिनव हूँ मनाओ, नफरत में भी मैं प्यार का कलरव हूँ मनाओ, रोने के लिए और भी महफिल है जहां में, शंभू के साथ हास्य के उत्सव को मनाओ, शंभू के साथ हास्य के उत्सव को मनाओ। कि मित्र मिले हम चार, एक बोला सुन यार जोश के बिना तो ये जवानी सुनी सुनी है, दूजा बोला जोश से ही काम चलता नहीं है, हौसला जो ना हो तो रवानी सुनी सुनी है, तीजा बोला मैं तो बस एक बात मानता हूं, प्यार के बिना सभी कहानी सुनी सुनी है। मैंने कहा प्यार जोश हौसला सही है पर हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सुनी सुनी है, हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सुनी सुनी है। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।